हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे कॉप 28 से रिलेटेड पांच क्वेश्चंस रिसेंटली कंक्लूडेड इन दुबई यूएई कॉप 28 के बारे में जो सबसे बड़ा कनंड्रम है वो ये है कि दुबई यूएई जैसी कंट्री विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड होस्टिंग अ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस तो ये काफ़ी बड़ा एक डिस्प्यूटेड चीज़ है इसके ऊपर आर्टिकल्स भी बहुत आए हैं बट नंद इट हैज़ कंक्लूडेड क्या क्या हुआ इसमें उसमें आपको बहुत ही जल्द एक डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा बट लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्विंग दीज फाइव क्वेश्चन फर्स्ट सो स्टार्ट करने से पहले हमारा मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर ऑन द पैटर्न ऑफ जी यू पी एस सी प्रलम्स सुबह साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह पेपर वन ढाई से साढ़े चार पेपर टू ऑल इंडिया रैंकिंग एंड द बेस्ट पार्ट द फैकल्टी इज गोइंग टू होस्ट अ जूम सेशन आफ्टर दिस टेस्ट इन विच विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट अगर आपने उसे एनालाइज ही नहीं किया सो इट इज एज गुड एज नॉट अटेम्प्टिंग इट राइट एंड देन आर प्रिलिम्स क्रैश कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बून का काम कर सकता है सुबह दो घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक वी हैव अ मैप मास्टर क्लास वी हैव अ सी सैट मास्टर क्लास स्पेशल सेशन ऑन योर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो चीज़ें मिस हो जाती हैं वो आपकी क्रैश कोर्स में मिस नहीं होंगी बिसाइड्स द यूजल स्टार्टिंग एंड द करेंट अफेयर्स कॉन्टेंट जिसके साथ पीवाई क्यूज डिस्कशन एंड आफ्टर एवरी टॉपिक यू विल हैव अ प्रैक्टिस टेस्ट एंड यू विल ऑल्सो गेट

सो इनमें से कुछ पेयर्स हैं जो इनकरेक्टली मैचड हैं और कुछ करेक्टली मैचड हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस नो वाई एम टेलिंग यू दैट दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगेन दुबई होस्टिंग द कॉप ट्वेंटी एट द प्रेजेंट अल बर बींग द ओनर ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी इन यू ए बिंग द प्रेजिडेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है आपको अगर एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन आए वहां पर भी आप इसे कोट कर सकते हैं एनीवेज द करेक्ट आंसर वी लेटर थ्री आर करेक्ट ठीक है सो दीज आर करेक्ट ऑल्सो अबू धाबी नेर इज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ कॉप ट्वेंटी एट ठीक है तो याद कर लीजिए इसको देन अनदर क्वेश्चन अबाउट कॉप ट्वेंटी ग्रीन जोन एंड ब्लू जोन अगेन इन न्यूज अगेन आपको बताना है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है ग्रीन जोन इंक्लूड ऑल द ऑफिशियल सेशन मीटिंग साइड इफेंट एंड प्रेस मैनेज माई यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एंड ब्लू जोन इज अ प्लेटफॉर्म टू शो केस सोलूशन एंड पाथवेज फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी एंड द सिविल सोसाइटी हर दिन ग्रीन जोन इवेंट्स होते थे ब्लू जोन इवेंट्स होते थे तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ये दोनों ही गलत है क्योंकि जो ब्लू जोन है वो ऑफिशियल है और जो ग्रीन जोन है वो ग्लोबल कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के अंडर आता है मतलब तो ब्लू जोन में वो इवेंट्स होंगे जो ऑफिशियल इवेंट्स हैं यू एन ट्रिपल सी के और ग्रीन जोन में अगर कोई आर्टिस्ट है कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपना कोई सोल्यूशन ऑफर करना चाहती है तो वो ग्रीन जोन में कर सकती है सो ब्लू जोन इज द ऑफिशियल पार्ट राइट द थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ग्लोबल क्लूलिंग प्लेच अगेन इन न्यूज तीन स्टेटमेंट है आपको बतानी है कौन सी सही है पहली इट कमिट्स द कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कूलिंग एमिशन बाई एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी फिफ्टी द एमिशन रिडक्शंस आर रिलेटिव टू ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब यहाँ पर जो फिफ्टी परसेंट है वो किसी लेवल पे तो होगा तो वो दो हजार बाईस का लेवल है इंडिया हैज़ इंडोस्ड दिस प्लेज सो अगेन यू हैव टू टेल विच ऑफ दीज आर करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज द सेकंड इंडिया हैज नॉट इंडोस्ड दिस प्लेज एंड इट इज एक्चुअली सिक्सटी एट परसेंट बाई ट्वेंटी फिफ्टी ऑफ द लेवल्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दैट इज द ग्लोबल कूलिंग प्लेज सिक्सटी थ्री कंट्रीज ने इसको साइन किया है इसको इंडोस किया है यू एस कैनेडा और कीनिया ने अभी जो कूलिंग से इमिशन्स होती हैं वो सात परसेंट है लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा ग्लोबल वार्मिंग और इंटेंसिफाई होगी उस उसी के दौरान हमारी जो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स है रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग वो भी बढ़ जाएंगी डिमांड बढ़ जाएगी और ग्रीन हाउस गैस इमिशन्स भी बढ़ जाएंगी सो दैट इज़ वाई दिस कूलिंग प्लेच हैज़ बीन फॉमुलेटेड एन इनिशिएटिव विच हैज़ बीन बिटवीन द एकदम जिसे कहते हैं ना काफी सेंटर कोर में था इस बार के कॉप डिस्कशन के सो so, ने uh, जो नेचुरल मिथेन है इस मोर देन एंथ्रोपोजेनिक मिथे इनमे

एंथ्रोपोजेनिक डबल है नेचुरल के और एंथ्रोपोजेनिक में हाईएस्ट एग्रीकल्चर है नेचुरल में हाईएस्ट वेटलैंड्स हैं तो ये अगर आप देखोगे ना सो दिस इज एग्रीकल्चर ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है एनर्जी सेवन परसेंट ऑयल मतलब एनर्जी में कोल ऑयल सेवन परसेंट कंबशन सिक्स परसेंट गैस फोर एंड बायो एनर्जी वन नेचुरल में अगर हम बात करें ना तो वेटलैंड थर्टी एंड अदर थर्टी थ्री बट ट्वेंटी सेवन दिस एंड दिस सो इट इज़ ऑलमोस्ट डबल मतलब मीथेन आर डबल दैट ऑफ नेचुरल, ठीक है इसमें वेटलैंड आर हाइएस्ट इसमें एग्रीकल्चर इज हाइएस्ट ठीक है तो ये भी उसी को एक तरह से और ज्यादा इलाबोरेट वे में बताया गया है देन लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पॉपुलर क्लोदिंग ब्रांड चारा नॉट जारा So it is known for its supposedly eco-friendly practices, but during an audit it is found that it uses a significant significant amount of synthetic fabrics, notorious for their environmental impact during production and disposal. Then it heavily advertises its use of recycled cotton in its jeans, but only a small percentage of cotton used is actually recycled. It boasts carbon neutral shipping, but this is achieved through offsets rather than reducing their own emissions. अब बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट करेक्टराइज शारास शारैक्टिस ब्लू वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग वाइट वॉशिंग नन ऑफ द अबॉव वेरी सिंपल तो इसका आंसर क्या है ग्रीन वॉशिंग जिसको ग्रीन शीन भी कहा जाता है जो ब्लू वॉशिंग है ना दैट इज वेन यू ओवर स्टेट योर सोशल प्रैक्टिस ठीक है और ग्रीन वॉशिंग इज वेन यू ओवर स्टेट योर कंपनी टू बी एन्वायरमेंटली फ्रेंडली वेन इट इज नॉट और ब्लू वॉशिंग में वो सोशल पे ज्यादा फोकस होता है कि आप दिखाओ कि आप वुमेन फ्रेंडली हो बट यू आर नॉट ठीक है एंड यू सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन गर्ल एजुकेशन एंड यू आर नॉट तो वो ब्लू वॉशिंग है ग्रीन वॉशिंग इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन शीन इसमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है और क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा न्यूज़ में रहता है स्पेशली Uh, uh, जो अभी हमारा कॉप ट्वेंटी एट है वो भी तो एक तरह से ग्रीन वॉशिंग ही है कि दुबई होस्ट कर रहा है एंड यू नो इट इज़ बीइंग द द फॉसिल फ्यूल यूजर दैट इट इज इट इज़ होस्टिंग दिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नेगोशिएटिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड इट इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रीन वॉशिंग ओनली राइट सो दैट वॉज अड पॉइंट ऑफ दिस एनी वेज सो दिस वॉज दिस दिस टूडेज प्रीमिक्स एंड अपना स्कोर जरूर कॉमेंट्स में लिखे अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड लास्टली अगर आप उसको आपको इसका पी चाहिए है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बट हैंग सेट दैट डोंट फोर गेट टू अटैम्प द डिसम्बर ट्वेंटी फिफ्थ मॉक टेस्ट नुकसान कुछ भी नहीं है अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना उसके बाद एनालिसिस जरूर अटेंड करना सो दैट यू नो वेयर यू आर एक्चुअली एट विजर्वी अदर स्टूडेंट राइट दैट वॉज ऑल फ्रॉम फ्रो माई साइड है day good night thank you so much all the best for your preparation